इट्स वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम लूँगा। उसके कॉन्सेप्ट जो भी इधर उधर का बन रहा होगा सब कुछ डिस्कस करूँगा। स्पेशली फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई मेरा इतना स्कोर रहा। चलो विदाउट वेस्टिंग टू ऑल लॉट्स ऑफ टाइम अपना कमेंट सेक्शन में चलते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत लैंग्वेज पे देखने को मिल जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स? सो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर वैली। कौन सा हो जाएगा? दामोदर वैली। वैसे ये पता होना चाहिए आपका ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी रिवर है इंडिया पे, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो ये अपनी गंगा, और उसके वर्ल्ड पे तो नील नदी है। उसके ब्रह्म सबसे चौड़ी की बात कर लेने देता हूँ तो अमेजन नदी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे पढ़ता हूँ, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी घाटी नहीं वैसे बट नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता होगा। सबसे शुद्ध रूप होता है जो एंथ्रेसाइट होता है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें कोयले में अगर शुद्ध रूप पे तो बिटुमनस होता है, लिग्नाइट भी होता है, बट सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट होता है। 80-85% मीन्स ये प्योर होता है। आगे चलते हैं, बाद में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्साइट डिपॉजिट इज फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज? अमरकंटक के पठारों में, मालवा के पठारों में, मैकाल की पहाड़ियों में, या विकल्प ए और सी दोनों के दोनों राइट हैं। बिल्कुल सही बात है, अमरकंटक के पठारों में और मैकाल की पहाड़ियों में दोनों जगह पाए जाते हैं बॉक्साइट के निक्षेप। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्साइट डिपॉजिट्स इज फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए एंड सी, मीन्स बोथ ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है? पहले बता दूँ, ऐसा कभी मतलब क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं एक बता दूँ कि यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी बोला जाता है। मेटल ऑफ होप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे महंगी धातु होती है। और यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है तो ये बताइए कहाँ पे स्थित है? तो जादूगोड़ा पे है। कहाँ पे? जादूगोड़ा में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो जादूगोड़ा किस स्टेट में पड़ता है या किस कंट्री में पड़ता है। सब कंट्री तो ये तो ज़्यादा हटके हो गया। ठीक है, सो आपको बताना किस स्टेट में पड़ता है। आगे चलो, बात की किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? मीन्स मोनाजाइट सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है किस स्टेट में? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट विद अ हाई थोरियम कॉन्टेंट? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो केरला, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र, क्या होगा राइट? सो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर केरला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सॉरी चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है, और उसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें केरला वगैरह के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबरीमाला टेम्पल आया था, इससे आया था सबरीमाला टेम्पल को जो विवाद उस टाइम पे प्रीवियस टाइम पे जो विवाद हो रहा था, और उसी टाइम पे करंट से इससे क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम पे। ठीक है, और कर्नाटका ये आपको डांसेस वगैरह यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि सभी यहाँ का लावणी एक डांस आता है आपके एग्जाम पे। गुजरात के आपके वो गुजरात का एक डांस डांडिया होता है, कर्नाटका का यक्षगान होता है, केरला का आपका कथक कली होता है, यूपी का कथक होता है, तो इसमें डाउट हो जाता है। केरला के पिनारायी विजयन आपके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तिरुवनंतपुरम वहाँ की कैपिटल है, ये इजी है बट फिर भी ब्रदर। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल? सबसे ज़्यादा किस मीन्स लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल है, हेमेटाइट का उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट का अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो सिंपल सा बता दूँ, यूके पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूके मतलब उत्तराखंड पे। और एक बात बता दूँ, ये इंडिया का सेकेंड है, सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया है नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर के बाद 8 नंबर की ओर क्या क्वेश्चन है? द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है कौन सा? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है चपोरा बीच एंड दीव बीच, मरीना बीच या ऑक्सा बीच? तो राइट आंसर आपका मरीना बीच होगा। मरीन बीच जिसे बोला जाता है, कहाँ पे है? ये चेन्नई पे पड़ता है, लगभग 12 किलोमीटर अप्रॉक्स अगर बात कर लेते हैं तो 12 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? चेन्नई पे पड़ता है। आपका आई थिंक राइट आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? वैसे मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं। मैंने अभी क्रैश कोर्स पे जैसे आपका जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? जिप्सम सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, जिप्सम हो गया, चांदी हो गया या सीसा, तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे अगर मैं बात कर ले तो आपका लिगनाइट और गंधक दोनों के दोनों तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, और अभ्रक आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ आपको पता होने चाहिए। तो हीरे की खान कहाँ पे है? तो हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। आगे बढ़ते हैं,
कर्नाटक में, मतलब सोने की कर्नाटक में पड़ती है। कोलार की खान आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? हट्टी सोने की यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंने पहले ही आई थिंक बोल दिया, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? संघ राज्यों का प्रशासन किनके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा हाँ भाई, बता दूँ आप सभी टेस्ट लगाते रहो, एग्ज़ाम वगैरह के टेंशन ना लो। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर पे होगा और किसी के चक्कर में ना पढ़ो, बस एग्ज़ाम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको टेस्ट वगैरह के लिए चलो पहले बता देता हूँ, फिर आते हैं यहाँ पे आगे का। देखो यहाँ पे अगला, अगर हाँ टेस्ट की बात कर लेता हूँ तो परीक्षा ऐप से बेस्ट आई थिंक आपके लिए कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए एक मंथ डेढ़ मंथ मेरे अकॉर्डिंग एक मंथ मैक्सिमम 30 डेज बचा है, तो अभी टेस्ट लगाओ। अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 वाला ऑफर भी चल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई टेस्ट लगाने का इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और जो ऑफलाइन लगा रहे हो उन्हें एक बात बताना चाहूँगा भाई, ऑनलाइन वाले आपसे बेस्ट हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज जब आप मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल दोगे तो वही 280 वाली टेस्ट सीरीज 140 रुपये में 35 टेस्ट मिल रहा है। आई थिंक अभी ये वाई ग्रुप पे 10 टेस्ट और बढ़ा दिए हैं तो 40 टेस्ट आ गए हैं। तो 40 टेस्ट कितने रुपए में, 40 टेस्ट 40 टेस्ट 140 रुपये में, ठीक है। 3 रुपये का आई थिंक एक टेस्ट पड़ता जाके, 3 क्या 4 रुपये का भी एक टेस्ट नहीं पड़ता, और जिसमें भाई पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका है। बाकी सब समझदार और रैंक वगैरह सब कुछ देख पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब बाइक करना तो कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपना ही कूपन कोड डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नए राज्य का गठन मान लो जो करता है उसमें किसकी मत किसके द्वारा गठन होता है बताओ, कि मतलब किसके पास वो शक्ति होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में? सिंपल सा है संसद में। किसमें? सिंपल सा है संसद में। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को, कब? ऑन नवंबर 1, 2000 को, ठीक। नेक्स्ट, एमपी के दक्षिण पूर्व भाग को हटा करके इसका मतलब स्थापना की गई थी, ठीक है। एमपी के दक्षिण पूर्व भाग को हटा करके इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे प्राप्त है? आपकी संसद को प्राप्त है, आपकी संसद को प्राप्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना राज्य का गठन भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन भारत के कौन से राज्य को हुआ था, किस राज्य के रूप में हुआ था? तो ये 29वां राज्य हुआ था, अभी फिर से 28 हो गए हैं। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है, मीन सबसे घटते क्रम में किस पहले किसकी हुई फिर किसकी हुई, आप ऑप्शन देख सकते हो कमेंट, क्योंकि आपको करते चलना है ना, तो अभी आपने आई थिंक कर लिया होगा। अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले नागालैंड की स्थापना हुई, फिर मेघालय की, फिर सिक्किम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड की स्थापना की अगर बात कर लेता हूँ तो 1 दिसंबर को हुई थी 1963 ईस्वी में। मेघालय की जो स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद सिक्किम आता है, तो सिक्किम की 16 मई 1975 को। और लास्ट में जो आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी, 1987 ईस्वी को, और दिन था 20 फरवरी का, ठीक है, 20 फरवरी का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आई थिंक सभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपकी दिक्कत, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा दिल्ली में सभा में दिल्ली संघराज्य में कितनी सीटें हैं? लोकसभा दिल्ली संघराज्य में कितनी सीटें हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। कितनी है? 7 सीटें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है, या राज्यों का संघ है? क्वेश्चन नंबर 19। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखो मैं बता देता हूँ टोटल कितने हैं। टोटल हैं अभी 9 हो गए हैं। कितने? अभी 9 हो गए हैं। कौन कौन से हैं ये पता है? चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एवं द्वीप है, दादरा एवं नगर हवेली है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख बड़ा था, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, और आपका पुदुचेरी, ठीक है।
और भाई आपका दमन एंड दीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल शासन चलता है। कौन सा उपराज्यपाल शासन चलता है? बाकी 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरेटरी हैं, आई थिंक आप सभी को ये पता होगा। अभी 20 क्वेश्चन हो गए, आपका कितना स्कोर है कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगा। और परीक्षा पर टेस्ट आपके लिए अभी बेस्ट हैं तो कर लो, तब पता नहीं कब तक ऑनलाइन D50 वाला मेरा कूपन कोड वाला ऑफर रहे। और अभी लगाओगे तो 30 मिनट डेली एक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है। अभी ऑनलाइन लगाओ, क्या कोई कहता है भाई एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब लगाएंगे, तो उस बेसिस पे मैं एक बात तो रिकमेंड या सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई तब आपके पास रिवीजन करने का होगा कि फिर से नई नई चीज़ें पढ़ने का होगा। बाकी आप समझदार हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसा भी लगा हो कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना। जय हिंद।